वेलकम बैक गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने भाई के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं डॉक्टर वैद्यास के हफ एंड कफ आयुर्वेदिक काढ़े के बारे में। इसको कौन कौन यूज कर सकता है, कौन कौन यूज नहीं कर सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है और इसकी प्राइस रेंज क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में सारी बातें करने वाला हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ही ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इसी आयुर्वेदिक काढ़े के बारे में। तो दोस्तों जे रहा मेरे पास डॉक्टर वैद्यास का हफ एंड कफ आयुर्वेदिक काढ़ा। तो दोस्तों इसका रिव्यू भी मैं आफ्टर यूजिंग दे रहा हूं। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि जे 100% नेचुरल है, आयुर्वेदिक है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि जे आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और रिलीफ देता है आपके कोल्ड, कफ और शोर थ्रोट से। तो दोस्तों इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि इसमें मेंशन नहीं है। तो दोस्तों डॉक्टर वैद्या ने इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट को मिलाकर इसको तैयार किया है, तो दोस्तों चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर वैद्या ने इसमें सिनेमोन, सौंठ, सौंफ और टर्मरिक जैसे इंग्रेडिएंट को मिलाकर इसको तैयार किया है। और ये इसका मेन पर्पस यही है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाकर आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है और आपके खांसी, सर्दी, बलगम और गले में खराश जैसी प्रॉब्लम से आपको तुरंत रिलीफ देता है। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपको सर दर्द रहता है, सर बारी बारी रहता है, सांस लेने में दिक्कत रहती है, या फिर आपके स्टमक में किसी भी तरह की इन्फेक्शन है, या फिर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, मतलब कि दिन भर का खाया पिया आपको डाइजेस्ट नहीं होता, तो दोस्तों जिस सभी प्रॉब्लम से ये आपको रिलीफ देता है। और दोस्तों अब सबसे जो मेन बात है कि इसको बनाना कैसे है। तो दोस्तों आपको एक गिलास पानी लेना और उसको गर्म करने के लिए रख देना, और उसके साथ ही साथ आपको इस पाउडर का एक छोटा चम्मच लेना है, और साथ ही में आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हो एक छोटा चम्मच, या फिर आप अपने हिसाब से जैगरी वगैरह, गुड़ वगैरह ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों ये भी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों आपको उबालते रहना है जब तब तक इसका आधा ग्लास नहीं रह जाता। तो दोस्तों उबालते उबालते जब इसका आधा ग्लास हो जाए तो दोस्तों उसके बाद आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों पैक पे इसका प्राइस 200 रुपीज़ है 50 ग्राम के पैक का। तो दोस्तों अगर इसकी एक्सपायरी डेट की बात करें तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के बाद 3 साल के अंदर अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी हफ एंड कफ के बारे में सारी बातें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन है जो आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इसके बारे में कोई भी सवाल है तो दोस्तों आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और दोस्तों डॉक्टर वैद्यास के और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। और दोस्तों अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट इसको खरीद सकते हो। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जल्दी ही मिलूंगा मैं आपके साथ इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।